पहले तो एक बाइट लेते हैं चावल के साथ, पहले ऐसे ट्राई करके देखते हैं कि कैसा बना। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह की शुरुआत हो गई है और अभी सुबह के बज रहे हैं 7, तो भी पहले फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद आप ब्लॉग से मिलते हैं। तो कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग में। आज का ये ब्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, तो कैसा क्या रहता है आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में। ऐसा करते हैं कि घर पे कोई है नहीं, तो सोच रहे हैं कि मशरूम लेके आए थे तो आज मशरूम को ही बनाते हैं, तो चावल बना लेंगे और मशरूम बना लेंगे। तो कैसा क्या रहता है प्रोसेस, आज का ये ब्लॉग भी बहुत स्पेशल आने वाला है, एकदम प्योर वेज। तो आप लोग बने रहिए। Many minutes later. बहुत कुछ काम है, लेकिन चला गया ये शादी के लिए काफी। मशरूम भी फ्राई हो रहा है, तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, पहले अच्छे से ब्राउन होने देते इसको। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम थोड़ा सा ही। और इसको भी अच्छा तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जाएगा इसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा। और इसको भी तो इधर पूरा अच्छा तरह से हल्दी भी भुना गया है, इसमें अब डालते हैं जो पिसा हुआ, अब इसमें डालते हैं जो पिसा हुआ मसाला। तो जो मसाला का अच्छा तरह से भून लेते हैं, पूरा पानी सोख लेगा, इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मसाला कुछ अच्छा तरह से भून गया है, उसको थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, जितना अच्छा लगे। अब उसको 5 मिनट ढक के छोड़ देते हैं अच्छा तरह से। Few moments later. मसाला थोड़ा सा बैठ रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा इसको रखना ही नहीं। Hour later. तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए, जो मशरूम बनाए हुए थे। देखते हैं कि इधर मशरूम बन के रेडी है और इधर अपना दाल चावल भी ले लिए, तो इसको खाते हैं और देखते हैं कि कैसा बना है। बैठ लेते हैं चावल के साथ, पहले ऐसे ट्राई करके देखते हैं कि कैसा बना है। बनी बहुत अच्छी है, बट तीखी बहुत है। चावल के साथ देखते हैं, क्या गजब की बनी है, लास्ट लेवल। मजा आ गया, thank you.
टेस्ट एकदम लाजवाब आ रहा है। तो खाना पीना हो गया सारा कंप्लीट, तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।